तो so फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमने ट्रेड ले लिया है ऊपर नीचे के सात लॉट सेल कर दिए हैं यहाँ पे जो भी कैलकुलेशन कर लिया हमने उसके हिसाब से हमने सात लॉट में ट्रेड करना था आज तो हमने सात लॉट में ट्रेड कर दिया सेल कर दिया है अभी देखिए प्लान क्या है आपको बता देता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये पिंक लाइन ठीक है फाइव मिनट स्ट्रैटेजी के हिसाब से ये हमारी पिंक लाइन जो है अगर इसके ऊपर पाँच मिनट कैंडल में हमें कोई क्लोजिंग मिलती है तो हम शिफ्ट करेंगे ऊपर को ठीक है अभी पहला प्लान ये है ठीक है अभी हम देखते हैं अगर ये एग्जीक्यूट होता है आई I मीन mean अगर हमें जैसे अभी आप देख सकते हो अभी हमने सेल किया हुआ है जिसमें टू हंड्रेड रुपीज़ तक का लॉस दिख रहा है हमें ठीक है मान लीजिए ये और ऊपर आता है इसके ऊपर पाँच मिनट के एंडल में क्लोजिंग दे जाता है तो फिर हमने एग्जिट कर देना है आ, सेल साइड से फिर हम जाएंगे बाय साइड में बाय साइड में जाएंगे और वेट करेंगे ठीक है और अदरवाइज आई I मीन mean, मान लीजिए ओके बाद में डिस्कस करेंगे सब कुछ हर बार मैं आपके साथ पिछले जितने भी वीडियोज़ आ रहे हैं फाइव मिनट स्ट्रैटेजी ही हो रही है हर बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं तो इस बार क्या करते हैं सीधा एग्जीक्यूट करेंगे ठीक है अभी देखिए यहाँ तक हम आ चुके हैं शायद तीन सौ तक का लॉस दिख रहा है हमें इसके ऊपर क्लोजिंग हो जाएगी तो हम शिफ्ट करेंगे पहला प्लान ये है आगे ऐसे ही चलते रहेंगे स्टेप बाय स्टेप तो मैंने आपके साथ प्लान शेयर कर दिया है अगर ऊपर क्लोजिंग होती है ट्रेड को शिफ्ट करना है तो मैं आप वीडियो को शुरू कर दूंगा अदरवाइज हम वेट करेंगे ठीक है तो फ्रेंड्स एज डिसाइडेड हम शिफ्ट करने वाले हैं अभी बाय से सेल में जाएंगे सेल uh, से बाय में जाएंगे अभी ओके okay. तो यहां पे आप देख सकते हो पहले हमने सेल किए थे सात लॉट अभी हमने सात लॉट बाय कर लिए क्यों कर लिए हैं क्योंकि जैसे कि हमने डिसाइड किया था इसके ऊपर क्लोजिंग होगी तो हम बाय साइड में जाएंगे तो अभी हम बाय साइड में चले चुके uh, जा चुके हैं ठीक है थीके? तो अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है फिर से शिफ्ट कब करना है अभी हमने वो देख लेते हैं फाइव मिनट स्ट्रैटेजी का पहला स्टेप है जो कि इतनी जल्दी सिर्फ दस मिनट में ही हमारा स्टॉप लॉस सीट हो गया पहला तो यहाँ पे क्लोजिंग हो चुकी है तो जैसे मैंने बताया था कि ऊपर का ट्रेड लेना है हमने ऊपर का ट्रेड ले लिया है अब भी देखते हैं कि नीचे का ट्रेड कब लेना है so तो क्या करना अभी इसके नीचे क्लोजिंग हो जाए हम नीचे का ट्रेड ले लेंगे इसके नीचे ठीक है तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूं एक कोर लाइन इसके नीचे ठीक है इसके नीचे क्लोजिंग हो जाएगी पांच मिनट की कैंडल की तो हम नीचे का ट्रेड लेंगे अभी ठीक है नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होने वाला है तो फ्रेंड्स अभी देखिए मार्केट आ चुका है ऊपर ठीक है अभी प्लान में पहले हमने ये डिसाइड किया था कि इसके नीचे पाँच मिनट की कैंडल क्लोजिंग होगी तो हम फिर से शिफ्ट कर देंगे एज ऑफ नाउ जो हमने शिफ्ट किया हुआ है तो हमने अपना लॉस ऑलमोस्ट कितना कवर कर लिया है एक मिनट मैं रिफ्रेश कर लूँ इसको हाँ ओके हमने सारे का सारा लॉस कवर कर लिया है जैसे कितना एक हज़ार तक का लॉस दिख रहा था बारह सौ तक का वो कवर किया है प्लस हम तीस रुपये का प्रॉफिट देख रहे हैं ठीक है थीगे? मतलब ये जो हमने शिफ्ट किया है इससे हमें बेनिफिट हुआ है लेकिन अभी हमने नेक्स्ट एक और काम करना है कि अभी मान लीजिए मार्केट नीचे आता है तो हमने इसके नीचे यहाँ पे देखिए फाइव मिनट स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग अगर इसके नीचे मुझे पांच मिनट कैंडल की क्लोजिंग मिल गई तो मैं फिर से बाय साइड को एग्जिट कर दूंगा सेल साइड पे चला जाऊंगा ठीक है आगे का प्लान ये है हमारा तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छे वाला मूवमेंट देखने को मिल रहा है हमें और यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमें 900 सौ नौ साढ़े नौ सौ तक का प्रॉफिट दिख रहा है मतलब क्या हो रहा है कि ये जो हमने शिफ्ट किया है ना इससे हमें कम से कम इक्कीस सौ बाईस सौ रुपये का प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि पहला लॉस जो 1200 सौ लॉस था वो भी कवर हुआ प्लस हमें प्रॉफिट कितना दिख रहा है हज़ार रुपये दिख रहा है ठीक है तो ये एक अच्छा हमने जैसे फाइव मिनट स्ट्रेटर्जी मैंने बताया कि ट्रेंड को पकड़ने के लिए ही होती है मतलब अगर मार्केट साइडवेज रहेगा तो ये फाइव मिनट स्ट्रेटर्जी फ़ेल हो जाएगी लेकिन जब कोई ट्रेंडी मार्केट मतलब किसी डायरेक्शन का मूव आना है इन दैट केस ये बहुत ही अच्छी वाली चीज़ है ठीक है आपके सामने हमने ये ही किया है कि नीचे क्लोजिंग हुआ था जोन के तो बड़े वाली कैंडल के साथ जोन में नीचे क्लोजिंग हुआ था तो उसके हिसाब से हमने यहाँ थोड़ा सा रिट्रेसमेंट रिट्रेसमेंट सोचा हुआ है तो वैसे एंट्री ले लिया यहाँ पे हमारी वो दूसरा प्लान भी ये था कि अगर मान लो इसके ऊपर क्लोजिंग हो गई तो हम ऊपर को लेंगे डेट तो हमने ऊपर को ले लिया ठीक है ऊपर को ट्रेड लिया है तो जिसकी वजह से हमें अच्छा प्रॉफिट भी देखने को मिल रहा है प्लस हमने अपने लॉसेस कवर कर लिए हैं और यहाँ पे एक और चीज़ बात बात कर लें डिस्कस शायद अभी हमें थोड़ा सा शिफ्ट और करना चाहिए आई मीन देखिए इसके नीचे क्लोजिंग होगी तो हमने सेल साइड में शिफ्ट होना है लेकिन इतना बड़ा मूव आ चुका है तो अभी थोड़ा सा वेट करते हैं अगर थोड़ा सा मार्केट ऐसे थोड़ा जोन बनाता है फिर उसके हिसाब से फिर और शिफ्ट करेंगे एक तरह का ट्रेल हो रहा है हमारा स्टॉप लॉस भी ठीक है तो ये था अपडेट और एज ऑफ नाउ हमने लॉस कवर किया प्लस नौ सौ के प्रॉफिट में आ रहे हैं तो फ्रेंड्स देखिए अच्छा मूव देखने को मिला है और इट इनफ फॉर टुडे मतलब आज हमने देखिए लॉस पहले किया था उसको कवर कर लिया और उसके बाद यहाँ पे अच्छा हमको मूवमेंट भी देखने को मिल गया है ठीक है और यहाँ पे अगर हम आज देखें तो ट्वेंटी टू हंड्रेड का प्रॉफिट हमें दिख रहा है तो हम इसको बुक कर लेंगे और आज के लिए बस इतना ही मतलब बस आई मीन जैसी चल रही है मार्केट उसके हिसाब से अभी हमें एग्जिट कर देना चाहिए तो हम एग्जिट करेंगे थ्री फाइव तो इधर जाएंगे तो हमने आज बुक किया है प्रॉफिट 2147 प्लस हमने लॉस कवर किया है 1200 का मतलब टोटल स्टेट में हमें हो गए हैं तेतीसौ रुपये तक का प्रॉफिट हुआ है मतलब वन रेशो वन के ऊपर ही किया है देखिए यूजली क्या होता है हम फोर फोर्टी पे ही एक्ट करते हैं लेकिन अभी अगर हम देखें तो हमने ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड लिया हुआ है ठीक है ट्रेंड का है डाउन डाउन ट्रेंड है डाउन ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेंड ट्रेड लिया है तो इतना मूवमेंट ठीक है हाँ हो सकता है और और भी बड़ा मूव जाए क्यों जाए वो भी मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे देखिए इसको कहते हैं ट्वीज़र बॉटम पैटर्न यहाँ पे भी देखिए सेम यहाँ पे ही हमको रिट्रेसमेंट आई I मीन mean, यहाँ पे ही uh, स्पोर्ट मिला है एग्जैक्टली exactly, इसको कहते हैं एग्जैक्टली सेम बॉटम बनाए इसका बॉटम बॉटम सेम स्काई बॉटम सेम इसको कहते हैं ट्वीज़र बॉटम पैटर्न बनाए यहाँ पे इसी वजह से यहाँ पे अच्छे रे, अच्छा रिएक्शन देखने को मिला है लेकिन जैसे कि मैंने बताया हम ट्रेंड के अगेंस्ट ले रहे हैं तो इतना बहुत है आज के लिए ठीक है तो हमने एग्जिट कर दिया है प्रॉफिट बुक कर लिया है तो अब आज हमने बुक कर लिया है टू थाउजेंड वन हंड्रेड फोर्टी सेवन रुपीज़ हमने बुक कर लिए प्रॉफिट और अभी हम फाइनली अपनी फाइल को अपडेट कर लेते हैं चौदह तारीख है और आज हमने ट्रेड किया है सेवन लोड्स में और हमें बाय बाय साइड से प्रॉफिट मिला है तो इसी वजह से हम बाय सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे और प्रॉफिट कितना मिला है टू थाउजेंड वन हंड्रेड फोर्टी सेवन और टोटल हो जाता है हमारा इस महीने का सेवन थाउजेंड थ्री हंड्रेड और ओवरऑल जब से ये ट्रेडिंग सीरीज शुरू हुई है टेन थाउजेंड फाइव हंड्रेड नाइन्टी रुपीज़ और यहाँ पे एक चीज़ बता दो ये वाला जो लॉस है ना ग्यारह तारीख को जो शुक्रवार था उस दिन ये ट्रेड किया गया था उसमें लॉस हो गया था वन थाउजेंड टू हंड्रेड सेवेंटी सेवन रुपीज़ जो मैंने टेलीग्राम पर भी अपडेट कर रहा था उसके ट्रेड के अकॉर्डिंग लेकिन जो वीडियो बनाया था ना वो डिलीट हो गया मुझसे गलती से तो इसी वजह से उसका वीडियो पब्लिश नहीं कर पाया हूँ मैं तो ये लॉस लेकिन यहाँ पे मैंने उसको दिख दिया है कि ग्यारह तारीख को इतना लॉस हुआ था हमें तो आज चौदह तारीख़ है चौदह को हमने साइड पे ट्रेड लिया है तो पहले तो हमने लॉस किया पहले फाइव मिनट स्ट्रैटर्जी के हिसाब से पहले हमें लॉस हो गया ठीक है उसके बाद हमने जैसे कि मैंने आपको बताया कि शिफ्ट करना होता है शिफ्ट किया है शिफ्ट की वजह से हमने टू थाउजेंड वन हंड्रेड कमाए प्लस बारह लॉस कवर किया ठीक है तो आज का ट्रेडिंग ये हो गया तो यहाँ पे फाइव मिनट स्ट्रेटजी के हिसाब से ही हमने काम किया है आज ठीक है इसमें ये लर्निंग था आज का कि फाइव मिनट स्ट्रैटर्जी तो आई होप आपको वीडियोस अच्छे लगते हो अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इनको ज़रूर फॉलो किया करो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करो थोड़े व्यूज़ बढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा और इसी के साथ ही मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि यहाँ पे हमारी जो निफ्टी एनालिसिस सीरीज़ है उसको भी फॉलो करना शुरू करें उसके भी वीडियोज़ आते हैं यहाँ पे देखिए जो मैंने कल स्क्रीन डाला था ना उसके हिसाब से आज हमने ट्रेड करना है और यहाँ पे मैं आपको थोड़ा यहाँ पे देखिए अगर मार्केट ने जैसे मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर रहा हूं यहाँ पे देखिए टेलीग्राम पे अपडेट होते रहते हैं सब कुछ और उसके हिसाब से टेलीग्राम के हिसाब से मैंने जो हमने कल जो एनालिसिस किए थे उसके हिसाब से अगर इसके ऊपर हमें क्लोजिंग मिल गया ना तो फिर हमने बुलिश ट्रेड लेना है अगर इसके नीचे क्लोजिंग मिल गया तो हमें बेरी ट्रेड लेना है इस सीरीज़ को भी फॉलो करना शुरू करना अगर आप नहीं करते हो तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो